हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? रेखा त्यागी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखाने। तो चलिए मखाने से एक नई रेसिपी बनाते हैं। तो मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल लिया है 1 चम्मच देसी घी और गैस को ऑन कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर देसी घी में मखाने भूनेंगे। सबसे पहले तो ये यहाँ पर मखाने मैंने डाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े ही घी में मखाने भूनेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक हेल्दी रेसिपी तैयार करनी है। ये बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी हमारे स्नैक्स तैयार होने जा रहे हैं। तो अब हम इनको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। यानी हमें इनको यहाँ पर बिल्कुल कुरकुरे होने तक भूनना है। तो इसमें 5 से 7 मिनट ही लगती हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हम इस कार्य को करेंगे। और इस तरह से भूनने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो मैं यहाँ पर एक मीठी रेसिपी बना रही हूँ। तो काफ़ी आसान तरीके से ये रेसिपी बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हमें आने वाला है इस रेसिपी में। तो यहाँ पर हमारे मखाने भुन चुके हैं और मखाने निकाल लेंगे बाहर एक बर्तन में। और उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने मखाने भून लिए हैं। तो उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच शक्कर। यहाँ पर मैं देसी शक्कर यूज़ कर रही हूँ। और बस 1 चम्मच हमें पानी यहाँ पर डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और अब हम गैस को करेंगे ऑन। और सिर्फ 1 मिनट भी पूरी हमें इस चाशनी को बनाने में नहीं लगती है। अब आप देखेंगे कि कितनी जल्दी इसमें बुलबुले उठने लग जाएंगे, ये देखिए। और बस जैसे ही बुलबुले उठने लग जाएं तो हमारी चाशनी तैयार है। और हम डाल देंगे मखाने और गैस को कर देंगे बंद। और अच्छे से इनको चलाते हुए शक्कर की कोटिंग इन पर करेंगे। और ये देख आप देख ही रहे हैं कितनी जल्दी हमारी एक टेस्टी और हेल्दी रेसिपी तैयार हो गई है। बस अब हमें करना ये है कि सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको हवा में रखना है। अभी आपको ये चिपचिपे लग रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट हवा लगते ही ये बिल्कुल अलग अलग खिले खिले और कुरकुरे हो जाएंगे, वो आप आगे देखेंगे। 1 मिनट के लिए हवा में रखूँगी। और हवा में 1 मिनट रखने के बाद ये देखिए हमारे यहाँ पर मखाने बिल्कुल खस्ता और कुरकुरे हो गए हैं और अलग अलग भी आप देख सकते हैं हो गए हैं। तो जब भी आपका कुछ हेल्दी और मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से आप मीठे मखाने बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए मैंने मखाने कर दिए हैं सर्व। और अब हमें सिर्फ इनको एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रखना है ताकि ये सीले ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।